राधे राधे दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर। कैसे हैं आप लोग? श्राद्धों की श्रृंखला में आठवां श्राद्ध आ गया है और आठवें श्राद्ध पर महालक्ष्मी का व्रत भी है। तो महालक्ष्मी के व्रत वाले दिन पड़ रहा है आठवां श्राद्ध। तो क्या करना है आपको, एक अचूक उपाय देखिए। श्राद्ध में जो है ना, ये ऐसा अद्भुत जो है, ये आपको एक साल में अपने पितृ ऋणों से, पितृ दोषों से मुक्ति करने के लिए एक ऐसा समय आता है कि जिस टाइम पीरियड पे आप ये उपाय करते हैं तो आपके जीवन में बहुत बहुत सी सुख शांति जो है वो आपको आती है। तो दर्शकों, आपको उपाय क्या करना है, आपने चार प्रकार के दिए लेने हैं, चार मिट्टी के दिए लेने हैं। और उसमें आपने क्या करना है कि आपने सरसों का तेल डालना है उन चारों दियों में। और उसके बाद आपने जो है एक में काले तिल, थोड़े से काले और सफेद तिल डाल दीजिए एक दिए में। एक में आपने जो है छोटी इलायची डालनी है, एक में लौंग डालनी है, एक में काली मिर्च डालनी है। और उसके बाद वो आपने सारे दिए जो है पीपल के पेड़ के नीचे शाम के समय लगा दीजिए, या फिर उन दियों को साउथ की तरफ फेस करके अपने घर के बाहर जो है वो जला दीजिए। और छत पर भी जला सकते हैं आप, कीजिए कार्य। इससे आपके पितरों को जो है तर्पण मिलेगा, आप पितृ दोष से आपको मुक्ति मिलेगी। और वैसे भी कहते हैं ना कि राहु देव आपकी कुंडली में दूसरे, पांचवें, नवे, ग्यारहवें और बारहवें भाव में होते हैं, तो हमारे को पितृ दोष का निर्माण करते हैं। कंडीशंस बहुत सारी होती है, लेकिन छोटा सा उपाय आप ये कीजिए। माँ लक्ष्मी का व्रत भी है आज के दिन। आप जो है एक कटोरी देसी घी, चाहे डिस्पोजेबल आप प्लेट में ले जाइए, एक कटोरी देसी घी आप जो है माँ लक्ष्मी के आगे जो है आज के दिन रख कर आइए। बहुत बहुत फर्क पड़ेगा आपको। और ऐसे ही अपना प्यार बना के रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे जो है 5 मिनट्स एस्ट्रो वास्तु टिप्स को भी लाइक शेयर कीजिए। राधे राधे। और 3 बजे लाइव पे जुड़ना मत भूलेगा, दोपहर को 3 बजे और रात को 10 बजे। और हम लोग जो है अभी चंडीगढ़ जा रहे हैं आप लोगों से मिलने के लिए। तो दर्शकों, ऐसे ही अपना प्यार बना के रखिए और राधे राधे।